असी प्लस टू क्लास का चैप्टर शुरू किया है इनडेफिनिट इंटीग्रल, अज असी उहदे नैक्सट टाइप्स देखांगे क्वेश्चंस दीआं। नैक्सट टाइप्स दे विच सब तो पहला तो असी साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर चुके हुए हैं फस्ट एक्सरसाइज। साइन एक्स की इंटीग्रेशन की सी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सपोज कर लो असी साइन एक्स की बजाय साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। साइन एम एक्स की इंटीग्रेशन होएगी, यह फॉर्मूला कह लो माइनस कोस एम एक्स नाल जो एक्स का कोफिशियंट होएगा वो डिनोमीनेटर में आएगा। ऐसा सारे फॉर्मूले असं ऐसा चेंज कर लेना है। कोस एक्स की इंटीग्रेशन असं कर चुके हुए हैं, कोस एक्स की इंटीग्रेशन हैगी सी साइन एक्स प्लस सी। जे असी कोस एक्स की बजाय कोस थ्री एक्स की इंटीग्रेशन करना चाहिए तो कोस थ्री एक्स की इंटीग्रेशन भी सेम होएगी साइन थ्री एक्स, पर नाल जरा एक्स का कोफिशियंट होएगा वो डिनोमीनेटर में आएगा। असी ई एक्स की इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होंगी है प्लस सी, पर जे ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स की इंटीग्रेशन आएगी वो भी सेम आएगी ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स, पर जरा नाल एक्स का कोफिशियंट होएगा वो डिनोमीनेटर आएगा। जिन्हें भी फॉर्मूले है वो जो एक्स का कोफिशियंट है वो डिनोमीनेटर में आएगा। हुण दो फॉर्मूले नवे मैं लिखन लग्या वा, पहला है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स, फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, तो जरा एक्स का नाल कोफिशियंट होएगा वो नाल आएगा। सैकेंड फॉर्मूला है वन ओवर लीनियर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यह दोनों वास्ते लीनियर है, यह लीनियर रेज टू पावर एन है, यह भी वन ओवर लीनियर है, यदि इंटीग्रेशन आएगी लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी, तो डिनोमीनेटर भी जो एक्स का कोफिशियंट है ए नाल प्लस किन्ना आएगा सी। हुण इन्हां दे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो असी इंटीग्रेशन करनी है थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू रेज टू पावर फोर डी एक्स की। हुण थ्री एक्स प्लस टू रेज टू पावर फोर है, ये वास्ते फॉर्मूला देखो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, फॉर्मूला की है ए एक्स प्लस बी थ्री एक्स प्लस टू रेज टू पावर एन प्लस वन फोर प्लस वन, तो डिनोमीनेटर भी की आएगा फोर प्लस वन, नाल जरा एक्स का कोफिशियंट है वह नाल आएगा तो प्लस सी। ये आएगा थ्री एक्स प्लस टू फोर प्लस वन कि आएगा फाइव, नीचे भी थ्री इंटू फाइव प्लस सी। थ्री एक्स प्लस टू रेज टू पावर फाइव डिनोमीनेटर फाइव इंटू थ्री कि आएगा फिफ्टीन, तो प्लस कि आएगा सी। हुण सपोज कर लो असी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स की, वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू वन ओवर ए एक्स प्लस बी, वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू की इंटीग्रेशन की आएगी लॉग मॉड थ्री एक्स प्लस टू, तो डिनोमीनेटर में जो एक्स का कोफिशियंट है थ्री नाल आएगा। यह फॉर्मूला उदों लगता है जो पावर आए, पर यह ख्याल रखना है जी पावर है एन ए माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह ख्याल रखना एन नैगेटिव हो सकता है माइनस टू माइनस थ्री, पर एन माइनस वन नहीं हो सकता क्योंकि जो एन की वैल्यू माइनस वन आएगी फिर यह फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला वन ओवर ए एक्स प्लस बी वाला। यह दो फॉर्मूले च फर्क है, ठीक है, पावर बाकी नैगेटिव या फ्रैक्शन कोई भी हो सकती है। हुण इन्हां दे रिलेटेड एग्जाम्पल्स असीं देखते हैं जिहड़े हुण कित्ते आ लीनियर वाले। मेरे को मैं एग्जाम्पल करनी है वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स माइनस टू तो डी एक्स, असं यदि इंटीग्रेशन करनी है वन ओवर थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स माइनस टू तो डी एक्स। स्केयर रूट है, रैशनलाइज करो, पहला तो स्केयर रूट खत्म करांगे रैशनलाइज करके, माइनस है रैशनलाइज असी कि करांगे प्लस दे नाल, ए आएगा थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू, डिनोमीनेटर विच भी थ्री एक्स प्लस टू तो प्लस किन्ना आएगा थ्री एक्स माइनस टू तो डी एक्स। वन दे नाल न्यूमरेटर नूं मल्टीप्लाई करांगे उपर सेम आएगा थ्री एक्स प्लस टू, स्केयर रूट का साइन हटा दो पावर किन्नी आएगी वन ओवर टू, इत्थे भी स्केयर रूट का साइन हटा दो तो पावर किन्नी आएगी वन ओवर टू। डिनोमीनेटर च फॉर्मूला लगे ना ए माइनस बी ए प्लस बी, रैशनलाइज जो भी करते हैं फॉर्मूला जरूर यूज होंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला आ जाएगा ए स्केयर माइनस
बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर नल डी एक्स, स्केयर नल स्केयर उठते साइन कैंसिल हो, मेरे को अगला स्टेप आएगा 3x प्लस टू रेज टू पावर 1 ओवर 2 प्लस 3x माइनस टू रेज टू पावर 1 ओवर 2। तो डिनोमिनेटर विच की आएगा, बाहर नैगेटिव साइन है, अंदरला साइन चेंज हो जाएगा, स्केयर रूट का साइन तो पहले कैंसिल हो चुके हैं, ये आएगा 3x प्लस टू माइनस 3x प्लस टू तो नाल डी एक्स, क्योंकि बाहर नैगेटिव है साइन चेंज, 3x नाल 3x कैंसल, 2 प्लस टू कितना आ जाएगा 4। अगला स्टेप है 3x प्लस टू, यह सेम आएगा, होल पावर आएगी 1 ओवर 2 प्लस 3x माइनस टू, तो पावर कितनी आएगी 1 ओवर 2, डिनोमिनेटर विच 2 प्लस टू कितना आएगा 4। हुण जिहड़ा कॉन्सटेंट है डिनोमिनेटर विच उहनू असी बाहर निकाल देना है, डिनोमिनेटर च 4 कॉन्सटेंट है उहनू बाहर निकाल दो, 3x प्लस टू रेज टू पावर 1 ओवर 2 इहदे नाल इंटीग्रेशन अलग कर दो, प्लस 3x माइनस टू रेज टू पावर 1 ओवर 2 डी एक्स इहदे नाल इंटीग्रेशन अलग कर दो। हुण इह दोनों दे विच असी फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला है 3x प्लस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस 1, डिनोमिनेटर च भी एन प्लस 1 नाल जिहड़ा एक्स का कोफिशियंट होएगा वह नाल आएगा, एहदे विच भी सेम 3x माइनस टू रेज टू पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 तो जिहड़ा नाल एक्स का कोफिशियंट होएगा वह नाल आएगा, प्लस कितना आएगा सी। लास्ट स्टेप है एलसीएम वगैरह ले लो, 3x प्लस टू हाफ प्लस 1 3 ओवर 2, डिनोमिनेटर च भी 3 तो हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3 ओवर 2, प्लस 3x माइनस 2 हाफ प्लस 1 3 ओवर 2, डिनोमिनेटर च भी एलसीएम लोगे तो 3 ओवर 2 तो प्लस कितना आएगा सी। ठीक है, हाफ ते प्लस 1 एलसीएम लोगे 3 ओवर 2 ये भी 3 ओवर 2, बाकी इन्हों मल्टीप्लाई करके बाहर रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो यही मेरे को आंसर है।